जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। ध्याये हम ही न करवाम तब कृत चरणम चित्तबद्धो प्रदेवितो ध्यानम तब चरण सेवा पार्थये जातमूढ़म पापाति कर्म जाले पतितमति सदा पार्थये दीनबंधो त्राहि त्राहि तुमेवं तव पद शरणम् श्री वासुदेवम् नमामि श्री जगन्नाथम् स्मरामि। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। आज महाप्रभुंकर प्रातः कालरु द्वार फिटा सहित प्रभुंकर दर्शन चली आमर जय जगन्नाथ टीवी अगणित श्रोता मानक अधम हृदय गभीरतम प्रदेश सम्मान ज्ञापन करुच्ची नीलाद्रि मंडप को शतकोटि प्रणाम पूर्वक इंग्राजी नुआवर्षर प्रथम दिवस एवं काल होती सर्वप्रथम प्रातः काल अतएव अमृतमय समय सर्वाद आमर अगणित दर्शक मानकर महाप्रभु सर्वमंगलमय इंग्राजी नुआ वर्ष करतु एतद व्यतीत संसार महाप्रभु मंगल करतु ये प्रार्थना पूर्वक। आज महाप्रभुंकर से रत्न सिंहासन लीला रत्न सिंहासन अधिकारी अर्थात महाप्रभुंकर श्री श्री रत्न सिंहासन उपरे सप्तधा मूर्ति जो सप्तधा मूर्ति होती तार अधिकारी सर्वाद से तत्व उपरे से लीला उपरे आमे आज आलोकपात करिबा। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर जेहेतु अपूर्व सिंहासन को पटांत नहींकार विष्णु लुचि बसी तहीं कु प्रकार रे जगन्नाथ महाप्रभु सिठी अछंती से तत्वटा कौन से लीला कौन से भाव गांभीर्य अर्थ तात्पर्य शब्द माधुर्य वास्तव में ताप शब्द ही नहीं। सामंत पूजा पंडा महाप्रभुंकर पुष्प श्रृंगार भगवान पतित पावन नारायण पतितानं पतितोहं तमैवं पापहारकं पावनं पुरुषं देहि निश्चलां भक्ति में विभो निश्चला भक्ति स्वरूप महाप्रभुंकर प्रातःकाल ये बेश श्रृंगार चली जगन्नाथ महाप्रभुंकर परम पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जो क्षेत्र को कोण अनुकोण रु भारत बर्षर भक्त माने चली आसंती पृथ्वी रे मध्य कोण अनुकोण रु भक्त माने आसी थांती टिके केवल भगवान कर दर्शन करिबा पाई कारण जगन्नाथ महाप्रभुंकर पुरुषोत्तम क्षेत्र रे केवल दर्शन ही होचंती महान से दर्शन पाई समस्त विभोर दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद तेणु भगवान
आजीर ये नववर्ष इंग्राजी नववर्ष रे समस्त पृथ्वीर मंगल पूर्वक महाप्रभुंकर मध्य प्रात काल रु जहां रात्र थाई रात्र गोटाए समय रु महाप्रभुंकर द्वार खोला ही मंगल आलत्री अवकाश बेश सूर्य पूजा द्वारपाल पूजा एवं पहली भोग संपन्न हो सारी अर्थात त्वरान्वित गति रे महाप्रभुंकर आज नीतिकांति चली जहाँ महाप्रभुंकर अंतर प्रदेश रे पहली भोग सरला ये पाखरे पति तपावन नारायण को भव्य श्रृंगार चली ये भव्य श्रृंगार जहाँ को बेश श्रृंगार कहा जाए नित्य बेश जेते बेश तोते मना कोली श्याम तेते बेश हेलु तू ही बोले बन माली सुन गोराधिके एबे स तुम्हरी पाई हे देवाधिदेव मणिमा कोटि कैबल्यनाथ जगन्नाथ महाप्रभु नीलाद्रि मंडप रे जो सप्तधा मूर्ति विलुप्त से इतिहास विश्वमूर्ति गर्भ रे भगवान करो पतित पावन करो क्षेत्र इधी महाप्रभु समस्त जीव को उद्धार करिवा पाई पुरुषोत्तम क्षेत्र रे विराजमान करी सप्तधा मूर्ति जे कि बलभद्र भगवान जगन्नाथ नारायण भगवती सुभद्रा एवं सुदर्शन ये चारि एवं भूदेवी श्रीदेवी अर्थात विश्वधात्री एवं श्रीदेवी कहिले लक्ष्मी को बुझा जाए तेणु आउ रहिले सही अपराकृत विग्रह जी माधव ये माधव को नहीं सप्तधा मूर्ति जहाँकि नीलाद्रि मंडपर सिंहासनर अधिकारी कहना सिंहासनर अधिकारी होती ये सप्तधा मूर्ति आउ जी विविध समय रे केवल जो माने अर्चा विग्रह स्वरूप महाप्रभुंकर विविध लीला पाई आज्ञामाल पाई यात्रा रे विभिन्न यात्रा रे विजयी थांती सेथि पाई ठाकुरंकर केवल होउचंती सम्मुख भाग रे कहिबा को गले स्वतंत्र भाव रे दर्शनार्थी माने जेते बेले रे महाप्रभु को दर्शन करंती ए सप्तधा मूर्ति दृष्टिगोचर ही थांती रत्न मंडप उपरे तबे विशेष समय रे मध्य सप्तधा मूर्ति न थांती कारण महाप्रभुंकर विविध प्रकार जो लीला रहिचि विविध प्रकार रीतिनीति रहिचि श्रीमंदिर रो व्यवस्था अनुसार से समय रे मध्य भूदेवी श्रीदेवी जो जाहौचंती यात्रा को जाई थांती एतद व्यतीत दुर्गोत्सव जहाँ शरतकालीन दुर्गा पूजा समय रे माधव मध्य अपसरी थांती अनवसर समय रे मध्य सप्तधा मूर्ति रत्न सिंहासन रे न थांती एई भली केतेक समय व्यतीत विशेष भाव रे जदि आमे कहिबा तले रत्न मंडप रे अधिकारी होउचंती महाप्रभुंकर ये क्षेत्र रे सात जन तेणु ये सात जन ही होउचंती महाप्रभुंकर रत्न मंडप रे अधिकारी तेणु भगवान को स्तुति रे कहा जाइछि भगवान को ध्यान करी कहिछंती आचार्य पाद आमरो जे सामंत चंद्रशेखर
कहले श्रीभू माधव चक्र चक्री बनी भ्रोत भद्राभीर भ्यूज्वल श्रीकंठ प्रमुखा खिल मर शिखा जुष्ट्रांघ्रिपीठोत्पल श्रीनीलाचल मौली मंडन महा नीलायमान मह श्रीभूमाधरी तस्मरं भवतु नम प्रत्युहत्युद्यताम। बड़ा सुंदर श्लोकटिए जो थे सप्तधा सप्तावरण ये सात मूर्ति गोटे ध्यान मध्य ये सात मूर्ति अच्छा तेणु से सप्तधा मूर्ति सर्वाद जगतर मंगलमय करतु ये होती महाप्रभु श्रीपाद पद्म निवेदन करवा आपण मैंने सीधा प्रसारण से देखुं सिद्धार्थ टीवी नेटवर्क चतुर्थ चैनल होती जय जगन्नाथ टीवी जहाँ भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु पुरुषोत्तम क्षेत्र सीधा प्रसारण से आपण मैंने दर्शन करभुंर बेश श्रृंगार ये बेश होती पुष्प बेश श्रृंगार कारण प्रभुंर वस्त्र श्रृंगार बढ़ी सारी आज हूँ जेहेतु रविवार रक्तवर्णर वस्त्र महाप्रभुंर आज परिधान करिवार श्रीमंदिर विधि रही व्यतीत ये जो बेश श्रृंगार चली प्रभुंर पूजा पंडा महाप्रभुंर बेश कर सुंदर भाव में माल ये संस्कृति में माल हूँ गोटे स्वतंत्र परंपरा माल को लेकर आज्ञा माल परंपरा प्रत्येक जानी यात्रा रे विजय विग्रह जो बड़े महाप्रभुंर विविध स्थान को विजयी था भगवान आज्ञा माल पाइले विजय होती तेणु ये आज्ञा माल परंपरा गोटे महनीय परंपरा ही अच्छी पुरुषोत्तम क्षेत्र में तेणु पुरुषोत्तमाक्ष महत क्षेत्रम परम पावनम जत्रास्ते दारवतनु श्री समानुष लीलया जो क्षेत्र रे जगन्नाथ नारायण मनुष्य भलिया होचंती लीला करचंती एवं जीए जेतेबेले रे डाकिले जो प्रकार रे जीए जेतेबेले महाप्रभु को स्तुति करिची प्रत्येक समय रे महाप्रभु से भक्त को उद्धार एवं अनेक स्थान रे महाप्रभु जाई प्रकट होती आम ये नीलाद्री मंडपर आज जो सप्तावरण जहाँकि जो सात जन अधिकारी से कहुई सप्तावरण संयुक्तम नीलाद्री मंडनम परम श्रीभूमाधव चक्रश्च चक्री भद्राहलिक्रमात् अर्थात नीलाद्री मंडस्थ सप्त विग्रह हेले श्री बलभद्र श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन श्रीदेवी भूदेवी श्री माधव एवं विशेष भाव में आम जदि त्रिमूर्तिर कथा को जीवा महाप्रभुंर तेणु त्रिमूर्ति रहस्य मध्य कई अ उ म तेणु या ओंकार बोली कहुए एवं आहरी जदि आम आउरी गोटे तत्व को अवलोकन करवा समस्त ब्रह्मांडर जेहेतु महाप्रभु अधिपति देवता तेणु इति स्तुत्वा सुरेशानं देवं प्रणवरूपिणं ये समस्त विग्रह को यदि आम एकाठी करिबा ताले ये ओंकार स्वरूप जहाँ को कवि सम्राट उपेन्द्र भंज अंतिम पर्यायर होती
से कहिले तू ओंकार मंत्र सार तू ओंकार अघर ओंकार आकार धरिल ओंकार वर्ण मात्रा ओंकार सर्वज्ञता ओ बोइले ओ कर हे नीलाद्रिश ओंकार प्रकट स्वर ओंकार ब्रह्मर विकार ओंकार तत्वबारी ओंकार निर्विकारी ओ बोइले ओ करो हे देवाधि देवराज मणिमा कुटि कैबल्य नाथ जगन्नाथ महाप्रभु ओंकार मंत्र सार भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु को पाखरे कौनसी मंत्र जदि मने न पड़े विस्मरण हो जाए तबे केवल ओंकार बोलिक महाप्रभु कहते स्मरण करदे महाप्रभु प्रीत हो जाती ओंकार मंत्र सार जिते मंत्र रही जिते जंत्र रही जिते तंत्र रही जिते जहा अच्छी सर्वाद सर्वाग्र रे ओंकार तेणु भगवान होती से प्रणव रूपी कौन कहला अकार नेत्र जुगुमश्च उकारश्रुत मकार मौली मध्ये च नाद बिंदु समन्वित अकार नेत्र जुगुमश्च तेणु अकार नेत्र जुगुम उकार अधराश्रुत मकार मौली मध्ये च नाद बिंदु समन्वित से भगवान को ओंकार स्वरूप स्तुति करा जाई थाए आउ कौन ये सप्तधा मूर्ति मध्य आम तो सब तत्व को देखुचे ये समस्त गोटे गोटे तत्व किए केते बेले रे कौन कही सारला दास कहिले उत्कलर शूद्रमुनि सारला दास भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु परम भक्त माँ साधक सी तांकर सारला दास कहिले कहिले ये जो त्रिमूर्ति सप्तधा भितर ये जो त्रिमूर्ति अच्छा ये बड़ा विचित्र विग्रह रामकृष्ण सुभद्रा जे ये तीन प्रतिमा श्री पुरुषोत्तमे विजे हरिहर ब्रह्मा ये जो रामकृष्ण राम कहिले बलराम को बुझा जाए कृष्ण कहिले जगन्नाथ को बुझा जाए सारला दास तत्व अनुसार सुभद्रा को नहीं ये तीन प्रतिमा कौन होती भगवान ये पुरुषोत्तम क्षेत्र रे हरिहर ब्रह्मा स्वरूप अच्छा से स्तुति कहले बड़ विचित्र स्वरूप मुझे जानपार ना हरि होती भगवान हर हो राम कहिले भगवान स्वयं निज बलराम सुभद्रा जे कि होती गुप्त स्वरूप माँ पूजा पाती कौन से ब्रह्मा ये कौन से सृष्टिर अधिकारिणी जी कि सृष्टि तैयारी कला बाला यही कथा को सी स्तुति कर आउ जड़े कहिले दिवाकर दास कहले नाई नाई ता देखा जाऊनी जे आपण सीना ता देखुं
मु आउ गोटे कथा देखुची सी कौन कहले सी अक्षर को ब्रह्म स्वरूप पूजा करती कारण ये निराकार वाला तेणु से किंबिज बल भद्र हो रिंबिज सुभद्रा बोलाई क्लिंबिज जगन्नाथ भाव ए रूपे नई वेद्य देव साधु दिवाकर दास से कहले मत हूँ यही प्रकार देखा जाऊँ कारण कौ साधु कौ महापुरुष किए कौन भगवान को दर्शन कर समस्त अद्भुत कहीं निर्दिष्ट पहुँची पारिना सुंदर बेष श्रृंगार चली प्रभुंर आपण मैंने देखुं ये सीधा प्रसारण मध्यम भगवान पतित पावन नारायण भव्य बेष श्रृंगार बढ़ला नाकचणा झुंपा माल अलका एवं ये पुष्प श्रृंगार पर महाप्रभुंर मध्य विविध प्रकार जो अलंकार अच्छी प्रभु तिलक चंद्रिका झोबाकंठी ये सब जो अच्छी महाप्रभु ताकू बेशरे परिधान करी अंशरे परिधान करिबा परे वर्तमान माली केवल प्रभुंर बेश परे माली लगी थाए तेणु आउरी जदि आम टिके सिंहासन अपूर्व श्री विग्रह मानकर ये रहस्य को आउ टिके चिंता करिबा अनेक स्थान रे अनेक प्रकार किए भगवान को दीनबंधु किए आर्तत्राण किए कौन कही कौन ना पृथ्वी आपण मैंने देखिए ये विविध प्रकार प्राय विशेष भाव चिंता कले तीन वर्ण रही पृथ्वी मनुष्य मैंने देखा जाती तेणु कहीं कहीं चिंता कले कहले ये कौन जेहेतु हूँ ये समस्त विश्वर हूँ महाप्रभु देवता तेणु ये विश्वर जिते प्रकार मनुष्य अच्छा ये समस्त रूप को महाप्रभु कौन अंगीकार करेणु से कथा अनुसार पृथ्वी जमी भाव तीन वर्णर मनुष्य भितर साम्य मैत्री प्रतिष्ठा हो तेणु आफ्रिका एशियार कृष्णांग एवं यूरोप और आमेरिकार श्वेतांग एवं चीन तिधतरे पितांग मानक मध्यरे सार्वजनीन सौम्य जहाँ को मैत्री समन्वय तथा मिलनर समन्वय सुनाइबा पाई महाप्रभु बोध हुए श्रीक्षेत्र रे सर्वधर्म को सम्मान दे किंभूत किमाकार स्वरूप अनादिकाल अच्छा आउ कई कहते नुह भगवान सीमती कहीं रे शाक्त मैंने पहुँचले जो मैंने होती देवी उपासक देवी उपासक माने प्रख्यात भारत बर्षर देवी उपासक माने से माने चिंता कले कले से कथा हूँ कौन कि रत्न मंडप जो सप्तधा मूर्ति ता भीतर तो हूँ श्री विग्रह तीन मूर्ति होती तीन बार भाव अच्छा तेणु सी प्रमुख मूर्ति कौन कि उग्रतारासूल पाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलादौतु श्री जगन्नाथ साक्षात दक्षिण कालिकाम शाक्त परंपरावादी मान देवी उपासक चिंता कले कले उग्रतारासूल पाणी उग्रतारा हूँ भगवान बलराम सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलादौतु श्री जगन्नाथ ये नीलाद्रीर भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु साक्षात दक्षिण कालिका की ये कथा किसी शाक्तवादी महापुरुष मैंने चाहते स्तुति करुवा बेले भगवान आहुरी मध्य बलभद्र जेहेतु होती उग्रतारा सुभद्रा भुवनेश्वरी महाप्रभु दक्षिण काली आपण मैंने देखिए सप्तशती चंडी तीन देवी तत्व
ओ ध्यान परिवेशित होइची समाने हेले महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली अर्थात महासरस्वती हेले धवलवर्णा महालक्ष्मी हेले पीतवर्णा ओ महाकाली हेले कृष्णवर्णा बलभद्र धवलवर्ण सुभद्रा पीतवर्ण ओ जगन्नाथ कृष्णवर्ण तेणु ये शाक्त परंपरावादी माने महाप्रभु श्रीचरणारविंद समर्पित हो ये भली प्रकार रूप को जत बेले प्रणाम करती आदि शंकराचार्य ये संस्कृति जी हूँ महान पुरुष भारत वर्ष परिक्रमा करी समस्त विद्या को चर्बित चर्पण करी चतुर्धाम अनुसार चारोटी पीठ संस्थापित करी आदि शंकराचार्य बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ उद्देश्य जो स्तव करते से माने किए ताहा स्पष्ट हुए बलभद्र को कामपाल बा महादेव एवं सुभद्रा को जोगमाया जगन्नाथ महाप्रभु को विष्णु भाव से स्तव करते बलभद्र शिव जगन्नाथ विष्णु मध्य भाग रे जोगमाया बा शक्ति रही शिव और विष्णु शक्ति समन्वित होती यही मत वर्तमान सुधा गोटे अकाट्य जुक्ति भाव मध्य रही शैव शाक्त वैष्णव ये त्रिमूर्ति मध्य रे सेमानकर आराध्य देवता दर्शन करी थांती ये तीनी मध्य रे समन्वय आनिबा पाई त्रिमूर्ति विराजमान एतद व्यतीत आमे माने देखिबा सेथि पाई वैष्णव मानकर समय जितेबले परम वैष्णव मान महाप्रभुंकर पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुँचिले से माने चिंता करुचंती वैष्णव मानक मतरे बलभद्र होचंती बलराम सुभद्रा होचंती भगिनी एवं जगन्नाथ होचंती श्रीकृष्ण तेणु दुई भाई मझिरे भौनी सुभद्रा रत्नवेदी में बसी रही द्वापर युगर श्रीकृष्ण श्री जगन्नाथ भाव उपासित बोली सेमानकर अभिमत तेणु ब्रह्मपुराण रे जगन्नाथ को कृष्ण रूप रे कल्पना करा जाइछि दर्शन विधि प्रसंग रे उल्लेख अछि बटस्य दर्शनम चैव दृष्टि सत्यम च भोद्विजाः दर्शनम बलदेवस्य कृष्णस्य च विशेषतः अर्थात यु चतुर्धा मूर्ति रहस्य मध्य बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ एवं सुदर्शन ये हूँ चतुर्धा मूर्ति यू चतुर्धा मूर्ति अत्यंत रहस्यजनक चतुर्धा मूर्ति संपर्क विभिन्न प्रकार रोचा विभिन्न साधक माने आचार्य माने मत प्रकाश करने समय रे ये चारि गोटी सांकेतिक रूप मध्य देखा जाए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन यथाक्रम कृष्ण श्वेत पीत एवं लोहित वर्ण विशिष्ट महाप्रभुंकर ये चतुर्धा मूर्ति श्री विग्रह तेणु वर्ण दृष्टि पृथ्वी रे अधिवासी मानक चारि भाग रे मध्य विभक्त करा जाइछि धवलकाय कृष्णकाय पीतकाय लोहितकाय तेणु बलभद्र धवलवर्ण जगन्नाथ कृष्णवर्ण सुभद्रा पीतवर्ण एवं सुदर्शन लोहितवर्ण यही भाव कई आम यार पूर्वर मध्य ये कथा आलोचना करुले एतद व्यतीत चतुर्धा मूर्ति एक तथा अभिज्ञ जहाँकि ये चतुर्धा मूर्ति भितर अभिन्न किसी ना ये गोटे बोध हुए या भितर सबुस्तक तत्व निहित होती आचार्य मान विविध प्रकार मत प्रकाश कर श्री जगन्नाथ चरितामृत कई जकारश्च जगन्नाथ गोकार बलदेव कह भद्रानकार भावेनम थकारश्च सुदर्शनम यार अर्थ है जगन्नाथ कहिले बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ
ओ सुदर्शन को बुझाए। जगन्नाथ दास एकाक्षर प्रश्न रे मध्य अनुरूप मत प्रकाश करि अछन्ति। तेणु जगन्नाथ दास कौन कहिले ना जेऊ प्रभु जगन्नाथ तही सिना सबु तत्व सुकल गौर रंग कोला बोलीटी ए मन्ते चारि होइला अपरे चारि कहिला श्रीनीलकन्दरे विजे चतुर्धा मूर्ति महाप्रभु विजे अछन्ति नीलाद्रि मण्डपति हे श्रीपति पति हे महाप्रभु आपण ये नीलाद्रि मंडपरे किमिति लीला करुछंती ये लीला को एपर्यंत कौनसी आचार्य मध्य जानी पारुना ही एत तो व्यतीत यदि आउ टिके आगो को आमे जिबा कालचक्र चारि अवस्था ही होती चतुर्धा मूर्ति बोलिक अनेक साधक माने चिंता करुछंती ये जो सप्तावरण रही नीलाद्रि मंडपर विशेष भाव ये चारि मूर्ति की नहीं पहुँचा अर्चा विग्रह रही चारि रे सप्तधा मूर्ति तेणु भूदेवी श्रीदेवी होती जड़े जे कि श्रीदेवी सुवर्ण प्रतिमा है बेल भूदेवी होती रूपार प्रतिमा माधव से तो होती लीला विग्रह दारु विग्रह स्वरूप भगवान विराजमान करेणु महाप्रभुंकर कालचक्रर चारि अवस्था कौन हो नीलाद्रि मंडपर कारण ये समस्त कालर ऊर्धरे तो महाप्रभु ना से कृष्ण वर्णर जगन्नाथ शुक्ल वर्णर बलभद्र होती दिवस हरिद्रा वर्णर सुभद्रा होती संध्या एवं सुदर्शन होती काल वर्णर प्रतीक तेणु ये भाव में पंडित माने साधक माने कल्पना करी भगवान कर श्रीचरण अरविंद समर्पित हो जाए कहले ना ना ता नुहजे चारि वेद ये स्वतंत्र स्वरूप ही गले कारण ये वेदर ऊर्धरे जाओ तो महाप्रभु ना से कहुची बलभद्र जे श्याम होई रुक जे सुभद्रा बोलाई यजुर्वेद श्री जगन्नाथ अथर्व सुदर्शन पार्थ बलभद्र जे श्याम होई बलभद्र होती श्याम वेद ऋग्वेद हो गले भगवती माँ सुभद्रा यजुर्वेद श्री जगन्नाथ महाप्रभु अथर्व सुदर्शन पार्थ यही भाव में साधक मान होती बलराम दास गुप्त गीतार यही प्रकार रे भगवान को स्तुति चतुर्धा मूर्ति रे गौड़ वैष्णव माने चिंता कले एत तो व्यतीत महापुरुष जशवंत दास कहिले प्रेम भक्ति ब्रह्म गीतार सी कहते कहले ह अक्षर भद्र साखा गुप्त रूप काम रे अक्षर जे बल देव रेवती पति अनुभाव कुरु अक्षर कृष्ण देही श्री जगन्नाथ जहा कही सुन अर्थात सुनु अजे
सुदर्शन ये मन्ते चतुर्धा प्रमाण गौड़ीय वैष्णव मानकर जो हरे कृष्ण अक्षर रे भद्र शाखा गुपत रूप ये राधिका रे अक्षर हेले बलदेव रेवती पति अनुभाव क्रु अक्षरे कृष्ण देही भगवान श्री जगन्नाथ तांकु कहउचंती सन अक्षर रे सुदर्शन तेनु जो हरे कृष्ण ये हरे कृष्ण भितरे कोन महाप्रभु चतुर्धा मूर्ति रही गले कि जशवंत दास एक कथा कहिला परे चतुर्धा मूर्ति आउरी कही कही साधक कहउचंती हां जदि से तत्व रे अछंती तले आम तत्व रे भी जगन्नाथ महाप्रभु अछंती तेणु शरीर तत्व मध्य ये श्रवण नयन अधर नासिका ये होती जेहेतु प्रमुख स्थान शरीर महाप्रभु बलभद्र होती श्रवण जगन्नाथ होती नयन कारण आखिकी चाहिए आज दरकार ना सुभद्रा होती अधर एवं सुदर्शन होती नासिका ये भाव अनेक साधक मान महाप्रभु को स्तुति कर तेणु आखि सबु देखे सुभद्रा माध्यम भोजन करती महाप्रभु एवं सुदर्शन माध्यम आघ्राण करती श्री जगन्नाथ देखा जाए जे जो भक्त जहाँ कि गुहारी करे से बलभद्र को जन थाए तेणु यही तत्वटी शरीर तत्व मध्य जो मैंने शरीर तत्ववादी से प्रकार महाप्रभु को स्तुति करती पाखे सुंदर भव्य श्रृंगार प्रभुंर चली बेश होती जहाँ कि विविध प्रकार जो माली से माली प्रभु पतित पावन को पूजा पंडा श्रृंगार करपर महाप्रभुंर ये भव्य समय जेहेतु प्रातकाल समय विविध प्रकार आपण मैंने देखुं खाली माली तो नुह विविध प्रकार हो बासना फूल कारण भगवान होती बासना भोगी जेते बासना जो भाव सुगंधराज मल्ली फूल चंपा फूल ये सब होती बासना फूल तेणु ये सब बासना फूल आउ गोटे प्रख्यात फूलटे प्रायतः श्रीमंदिर व्यवहार करा जाए गुलुआस फूल बोल कि कह जाए तेणु विभिन्न स्थान रे तार ना विविध प्रकार थिले मध्य जगन्नाथ महाप्रभुंर गोटे होती ये प्रख्यात पुष्प एतत व्यतीत प्रभु जहाँकि हूँ दयना एवं सुगंधित सुगंध प्रकार पुष्प मध्य भगवान जेहेतु हूँ रस प्रिय माधव तेणु ये सुगंध को होती महाप्रभु सदा सदर्वदा जिते सुगंध पुष्प महाप्रभु को समर्पण करा जाए बेश श्रृंगार करा जाए महाप्रभु प्रफुल्लित रहती यथा देवे तथा देहे पूरी क्षेत्र में मध्य विभिन्न जानी यात्रा रे आपण माने देखिबे साई जात मानकर मध्य जो माने होचंती भगवान कर ए मंदिर को नहीं विविध प्रकार राम जन्म समय रे राम लीला एवं कृष्ण जन्म समय रे भगवान श्रीकृष्ण लीला ये सबू साई मानकर आचरित होता है सेत बेले मध्य जगन्नाथ महाप्रभु परंपरा अनुसार ये मनुष्य माने मध्य होती यात्रा समय रे मलिमाल पकईक बुलंती अर्थात बासनार प्रतीक तेणु जाऊ आज आम जो सप्तधा मूर्ति रत्न सिंहासन ऊपर आलोचना करूचे तेणु शारला दास और अन्यान्य पंडित मतरे बलभद्र होती देवदेव महादेव सुभद्रा ब्रह्मा जगन्नाथ स्वयं विष्णु सुदर्शन आयुध चक्र तेणु कलिजुग में ब्रह्मांर पूजा नथिबारु से गुप्तर सुभद्रा स्वरूप विराजमान बोली विचार करा जाई थाए आदिशंकर मतरे बलभद्र होती शिव सुभद्रा जोगमाया जगन्नाथ विष्णु एवं विष्णुंर आयुध होती चक्रराज सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति तेणु रत्न बेदी रे आहरी कह जाए ये चारिपर पांच अच्छा
पांच भीतर किए से आसबे पंचदेव उपासना मध्य कहा जाय थाए केतक आचार्य माने कहंती नारायण स्वरूप जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र त्रिलोचन रूप से सुभद्रा रूप से जोगमाया माधव रूप रूप से गणदेवता एवं चक्रभाव तेजमय सुदर्शन विद्यमान जहाँ को तेजमय सूर्य मध्य कहा जाय थाए सेथिपाई ये पंच देव उपासना मध्य कहा जाय छि जगन्नाथ स्वयं विष्णु बलभद्र त्रिलोचन भद्रा देवी साक्षात माधव गण दैवत चक्र तेजमय सूर्यम पंचदेव स्मराम्यहम् पंचदेव उपासना मध्य आमर जो भाव गणे नारायण रुद्र अंबिके भास करे तथा भिन्ना भिन्न न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते यही पंचदेव उपासक माने श्रीक्षेत्र रे मध्य एही भाव रे महाप्रभु को तांकर स्तुति करिसंती रत्न सिंहासनस्थ जो सप्त विग्रह त्रिमूर्ति एवं चतुर्धामूर्ति अत्यंत रहस्यमय हेले श्री जगन्नाथ जे एकाकी समस्त चिंतन चक्रर अव्यक्त मूलाधार यहाँ निसंदेह त्रिमूर्ति तथा चतुर्धामूर्ति को ओंकार भाव में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भाव में बौद्ध धर्मर बुद्ध संघ धर्म भाव में सच्चित आनंद भाव में ऋग्यजु साम भाव में श्री ह्रीं क्लीं बीज भाव में श्वेत कृष्ण पीतवर्ण भाव में सत्वरज तम भाव में कर्म ज्ञान और भक्ति भाव में एवं शिव शक्ति विष्णु भाव में विविध प्रकार साधक मान जो प्रतिपादित कर जदि ए संबंध रे आम आहरी तत्व तथ्य को व्यापक भाव में चिंता करिबा ये समस्त रहस्यावृत से विश्व विभिन्न धर्मावलंबी संतुष्ट करने से आराध्य देव देवी को रत्न सिंहासन श्री विग्रह मध्य समस्ते समस्त मतव्यक्त प्रकाश करी मिशि जाइछंती अर्थात किए कौन कौटी कही कौ रूप से ध्यान कर सुदर्शन होती रहस्यमय से बलभद्र रहस्यमय सुभद्रा देवी रहस्यमय भगवान तो जानी रहस्य से दृष्टि आम देखा जदि सुदर्शन को रत्न सिंहासन श्री जगन्नाथ बाम पार्श्वे एक स्तंभ रूप से सुदर्शन विराजमान ये चक्र हो ना ये गोटे रहस्यमय कथा कारण सुदर्शन परम ब्रह्म विष्णु आयुध यह तांको दक्षिण हस्तर अंगुली रे शोभा पाइबा कथा किंतु चक्र विष्णु हस्तर शोभा पाऊ थिबारु तांको चक्र पाणी बोली कह जाय थाए रत्न सिंहासन सुदर्शन चक्र आकार रे प्रभुंकर दक्षिण पार्श्वरे शोभा पाउथिले कौन से चिंता करिवार आवश्यक नथिला किंतु से स्तंभ आकार रे महाप्रभुंक बाम पार्श्वरे अवस्थित तेणु स्वतः प्रश्न उठे सुदर्शन प्रकृत रे किए ये कौन से सुदर्शन से गुप्त तत्व कौन कहीं से अंतर्निहित तत्व रही वैष्णव मान मत सुदर्शन होती विष्णुकर शक्तिशाली आयुध ताहकर से सुदर्शन को नहीं महाप्रभु भगवान स्वयं निजे समस्त पापराशि आसुरिक प्रवृत्ति और प्रत्येक प्रकार विघ्न को विनाश कर मत्स्य पुराण एकादश अध्याय एवं बामन पुराण तबे सुदर्शन चक्र उत्पत्ति संपर्क में सूचना अच्छी जहाँकि सूर्य निजर तेज को प्रशमित करने प्रार्थना करिवारु श्री विष्णु सूर्यंकर घूर्णमान तेजर किसी अंश पृथक करदे श्री पृथकीकृत तेज तीन भाग में विभक्त हो विष्णुंकर सुदर्शन चक्र रुद्रंकर त्रिशूल एवं इंद्रंकर वज्र रूप से प्रकटित हेले बोली मत्स्य पुराण मध्ये कहिछन्ति तेणु आपण माने देखिबे बामन पुराण रे होउछन्ति कहा जाइछि जे दुर्दांत असुर मान को निपात करिबा पई एक तीक्ष्ण अस्त्र प्रयोजन करिवारु विष्णु देवता मान को कहिथिले
तेणु समस्त देवता मान तेज को एकत्रित कर सुदर्शन चक्र सृष्टि कर ये कथा बामन पुराण रे कह जाई तेणु जहाँ भी हो निश्चित भाव रे सुदर्शन होती गोटे महाशक्ति कहले अत्युक्ति हम ना तेणु से कह जाई सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञान तिमिरांधस्या ज्ञानिना मोक्षदायक अज्ञानी जो माने जहाँकि संसार प्रत्येक मुहूर्त अमंगल चिंता करती असुर मानक आसुरिक प्रवृत्ति मानक से हूँ कौन ना सदा बेले रहउचंती दुष्ट को संहार करती जो माने होउचंती भगवान श्री चरणारविंद समर्पित भक्त मानक से सुरक्षा दियंती चक्र आढ़ुआल रखी भगवान सानिध्य पहुँचे दियंती तेणु सुदर्शन से मुख्यदायक बोली कह जाए से आगछंतु महाचक्र दिव्य ज्योति स्वरूपिणे अनाहत पुर श्रेष्ठ विशंतु अस्त्रमुत्तम भगवान सुदर्शन को जेतेबेले रे जो कार्य रे महाप्रभु होउचंती नियोजित करिसंती से निर्विघ्न भाव रे कार्य करथांती तनु जहाकि केते तांक पाखरे शक्ति अछि ताहा आमे मा साधारण मनुष्य मध्ये मापी परिबा नाही द्वापर युग रे महाभारत युद्ध रे श्री कृष्ण अस्त्र धारण करिवे नाही बोली कहिथिले किंतु युद्ध पर जेतेबेले बेलाल सेन को युद्ध रे किए बेसी सैन्य सामंत मारिछि शत्रु निपात करिछंती बोली प्रश्न करा गला सेतेबेले रे लक्ष लक्ष संख्या रे शत्रु निपात करथिबा एक चक्र रे महात्म्य को विषय बेलाल सेन वर्णना करथिले कलिजुगरे मध्य स्तंभ रूपी सुदर्शन चक्र को पाप और विघ्न विनाशक उद्देश्य बेढ़ा परिक्रमा और श्रीक्षेत्र परिक्रमा कराइबापी श्रीमंदिरस्थ रत्न सिंहासन जहाँकि शारदा पूर्णमी शारदा पूर्णमी कहले शारदीय दुर्गोत्सव पूर्णमी जो कुमार पूर्णिमा गम्हा पूर्णमी हूँ यही भाव एवं राधाष्टमी प्रख्यात दिवस मानक सुदर्शन ये क्षेत्र रक्षा उद्देश्य स्वतंत्र सुदर्शन विजय परंपरा अच्छी तेणु यही आम सूचित होचे जे ये विग्रहटी सप्तधा मूर्ति मध्य ये संपूर्ण भाव में खाली नीलाद्री मंडपक नुह समग्र अनंत कोटि ब्रह्मांड को भगवान हूँ निर्देश में सुरक्षा मध्य तेणु ये मध्य गोटे रहस्य कथा से कहगला शंखभ्रुक नंद किस चक्री सारंग धन्वा गदाधर रथांग पाणी रक्षुभ्य सर्वप्रहरणायुध समस्त कारण ये हूँ सहस्र नाम कह समस्त प्रहरणायुध है पांचजन्य शंख नंदक नामक खड़ग सुदर्शन नामक चक्र सारंग नामक धनु कौमोदकी नामक गदा ये सब हूँ महाप्रभुंकर केवल प्रत्येक भक्त मान को प्रत्येक मुहूर्त संसार मंगल करने विविध दुष्कृत को नाश कर धर्म सदा सर्वदा जाग्रत रखापी महाप्रभु ये सब आयुध मान को रखिंट प्रथमतः दारुमूर्ति तत्व देखिले सुदर्शन आदि मूर्ति बोली कथित सुदर्शन जदि आम होती मादि मूर्ति सर्वे सम्मुखदायक कह जाए सर्वरोग हरा शांत वज्र राजायते नमः ये श्लोक रु जना जाए जे सुदर्शन आदिमूर्ति तेणु समस्त विजय और नीति रे सुदर्शन को विजय प्रथम होता है दारूर मध्य विग्रह निर्माण कला बेले प्रथम दारू जुपकार होता है जुपाकार दारूर बलभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ मूर्ति निर्मित होता है तेणु आमर स्वतंत्र भाव समलेश्वरी
स्तंभेश्वरी बांकुड़ार जिनासनी बाणपुर भगवती आदि अनेक ग्राम देवी स्तंभ रूप से आदि देवता बोली पूजित हो आसुंट आपण माने देखिए ये सब देवता माने स्तंभ स्वरूप स्तंभेश्वरी पूजा रही आम आदिवासी संप्रदाय मध्य अन्यत्र स्तंभाकार विग्रह पूजित होता दृष्टिगोचर हुए मत्स्य पुराण में वर्णित हो सुदर्शन वृक्ष नाम एक वृक्ष उपासित होते तेणु सुदर्शन वृक्ष एकदा दारू पूजार प्रतीक स्वरूप कथित होते परवर्त काल में सुदर्शन चक्र व आयुध रूप से उपासित हेले एक आसी तेणु जाऊ महाप्रभु द्वितीयतः आउ जदि आम टे आलोचना करवा पद्मपुराण पद्मपुराण अनुसार तपस्वी हनुमान हूँ गोटे पुस्तिका जी कि पंडित सदाशिव रथ शर्मा से प्रणयन कर लिखुले से कहुई जगन्नाथ स्वतंत्र भाव जी कि अभिशाप बल सुदर्शन स्तंभ रूप से वो जगन्नाथ बाम पार्श्व विराजित तेणु एकदा आयुध सुदर्शन जो रहस्यावृत कथा मतरे अहंकार हुए जे महाप्रभु ता बलभद्र बलियान तेणु श्री जगन्नाथ निकटतम प्रियतम जी हेबा स्वाभाविक से असाध्य साधन पाई श्री जगन्नाथ तार आश्रय नहीं था गर्व गंजन करने को हनुमान स्वयं तांकर भावचंती गर्व को गंजन करते तेणु स्तंभाकृति भाव में पूजा पाँची ये मध्य एक प्रकार मत रही तृतीयतः पौराणिक उपाख्यान सूचना मिले श्रीकृष्ण द्वारिकार राधाकर विरह बेदना सह कर पारू राधा राधा बोली चित्कार कले अष्टपाटवंशी चिंतित हो ब्रजलीला प्रसंग जानवापी से विषय जहाँकि विशारदा वृंदादेवी को अनुरोध कले एवं ए प्रसंग व्याख्या समय रे से स्थान को जपरी श्रीकृष्ण बलराम और अन्य कहीं न आसती से रोहिणी कन्या सुभद्रा को द्वारपाल भूमिका ग्रहण करने को पड़ा तेणु ब्रजलीला अत्यंत मर्मस्पर्शी तेणु से परिवेशित हवा समय रे जहाँकि स्वतंत्र भाव बलराम एवं हूँ सुभद्रा एवं जगन्नाथ महाप्रभु से महारासर अभूतपूर्ण लीला मध्य सुदर्शन स्तंभाकार एक प्रकार वैष्णवीय चिंताधारा मध्य रही जाए ते जहा हौ प्रत्येक तथ्य सर्वाद आम महाप्रभु आयुध भाव निश्चित भाव ग्रहण करवा तेणु ये त्रिमूर्ति रहस्य चतुर्धामूर्ति रहस्य सप्तधामूर्ति रहस्य मध्य ये समस्त होती गोटे केवल भाव अनुसार विभिन्न समय रे जे भली भाव रे आमर भक्ति द्वारा आम जो प्रकार रे भक्ति करिबा भगवान से ही प्रकार रे आमको होती निश्चित भाव रे दर्शन दियंती तेणु जो भाव में राम होती रामचरित मानस तुलसीदास गोस्वामी कहले जोहि राम सोही जगदीशा जी नहीं अंत न पावन शेषाम शेष भये लक्ष्मण अनुचारी भद्रा सोसिया राजकुमारी इठी तुलसीदास कथा चरितार्थ होती महाप्रभु विविध प्रकार पुराण रे कारण स्कंद पुराण को जदि आम अवलोकन करवा जे जय भद्रे सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी भद्रा भद्र स्वरूपा त्वं भद्रकाली नमस्तुते माता जगताम देवी पिता नारायण हिष स्त्री रूपम सर्वमेव त्वं
पुंगरूप जगदीश्वर तेणु पुरुष रूप जगदीश्वर महाप्रभु स्त्री रूपम सर्वमेव स्त्री रूप भगवती स्वयं निजे अच्छा शिव रूप से अच्छा भगवती को मध्य भद्र काली रूप से आम स्तुति कर तेणु विविध प्रकार धर्मशास्त्र रे विविध प्रकार कथा को आरोपित करा जाइछि सर्वादौ आमे माने जगन्नाथ महाप्रभु को इटि पुरुषोत्तम नारायण जहाँ महानारायण भाव रे आराधना करथिबा स्थले बलराम को वासुदेव मंत्र रे कारण आउरी गोटे प्रकार रहउछन्ति चिंता चेतना रहिछि श्रीमंदिर रे कौन ना बड़ ठाकुर इटि वासुदेव मंत्र प्रपूजित बलराम नारायण तेणु बलराम जेहेतु वासुदेव मंत्र प्रपूजित तबे वासुदेव मंत्र प्रपूजित से पाखरे कहुची भगवान स्वयं होंगे शिव स्वरूप किंतु शिव स्वरूप हेले प्रभुंकर इटि बेलपत्र पूजा ना इटि केवल तुलसी पत्र रे समस्ते प्रपूजिता कारण भद्रा देवी देवी हेले मध्य देवी कर इटि बेलपत्र नाही इटि बहुचंती सुभद्रा मध्य से गोटिए बहुत आराधना भितरे आराधिता से मध्य तुलसी रे होचंती प्रपूजिता जगन्नाथ महाप्रभु तुलसी रे अर्चित हुंती सुदर्शन तुलसी रे अर्चित हुंती बलराम तुलसी रे अर्चित होतांती बेले बेले मध्य मो दृष्टि रे मु देखी महाप्रभुंकर अनेक माळ जते बेले रे उलागी हुए मैलम हुए से सब अजसर माळ आसीबा पारे प्रभुंकर माळ भितरु गोटे गोटे होचंती बेलपत्र बाहरे आश्चर्य लागे महाप्रभुंक पाक बेलपत्र केमिति गला अर्थात कौनसी कौनसी समय रे अज्ञात रे महाप्रभुंकर होचंती जेहेतु भक्त मान मध्य अनेक पुष्प दे थांती से पाखरे किमिति भगवान को पाखकु जाय ता तांकु ही गोचर होई थाई पारे किंतु महाप्रभुंकर अनेक सेवक मान मध्य देखी चंती तेणु मु निजे मध्य होचंती पाइची प्रभुंकर माळ जेतेबेला आसे ता भितरु अकस्मात गोटे गोटे बेलपत्र मिले तेणु सेठी चिंता करबा को कोड़े कौन से रहस्य सर्वरहस्य पुरुषोत्तमस्य देवेन जानाति कृत मनुष्य आमे मनुष्य कौन तांकर लीला को जानिबा भगवान कर लीला भगवान कर ये जो होचंती लीला को आमे साधारण मनुष्य जानिपरिबा नाही काहेकि ना प्रभुंकर परम पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जेहेतु होचंती केवल दर्शनात मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद दर्शन करिबा माने महाप्रभुंकर सकल तीर्थर फलश्रुति मिलिथाय सेथिपाई नीलाद्री मंडप रे जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन होउचि मूल से दृष्टि रु आमे माने जेहेतु प्रातः काल रे प्रभुंकर व्रत होउचंती जहा श्रीमंदिर रु बहुत व्यवस्था अनुसार पहिले भोग प्रभुंकर अनुष्ठित हे सारिचि ए पाखरे पतित पावन नारायणकर मध्य वेश श्रृंगार सरी पूजा पंडा स्वतंत्र भाव रे होउचंती प्रभुंकर शीतल भोग करिवा पई प्रस्तुत करउचंती आपण माने जा होचंती ये सीधा प्रसारण को देखुचंती जहां को दर्शन कले पतितानं पतितोहं तमैवं पापहारकं पावनं पुरुषं देहि निश्चलं भक्तिमे विभो जहां करो महा दर्शन माध्यम रे आमे महा दर्शन करिबा माने पतितानं पतितोहं से होचंती सदा सर्वदा पापहार हारक सेति पाई पाप को विनाश करी जगन्नाथ नारायण निश्चला भक्ति प्रदान करती ये निश्चला भक्ति प्रदान कले आमे निश्चित भाव महाप्रभु को दर्शन पाई तेणु ये दर्शनात मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद केवल महाप्रभु को दर्शन कले
सकल तीर्थर फलश्रुति मिले से कहुची सकल तीर्थ घेनी हरी नीलकंदरे विजे करी सकल तीर्थ घेनी हरी नीलकंदरे विजे करी जो स्थान रे महाप्रभुंकर सबुतक तीर्थ एकाकार होई आउ इमिति कौनसी तीर्थ नाही जे से जगन्नाथ पाखरे नाही सेथिपाई कुहा जाई छी यथार्थरे जगन्नाथ महाप्रभुंकर पुरुषोत्तम क्षेत्र रे प्रत्येक तीर्थ मान मध्य सेवा करी थांती तेनु तब पाद सेवा एकोई संपद देवाकू जहा दुर्लभ भूषण अटोई मढ़ियाल धंडा शिशपा शिर विभव तेनु नीति तीन धूप कैबल्य आलती तारई तीन लोक को महाप्रभुंकर तीन धूप कैबल्य आलती से हूँ नीलाद्री मंडपर ये जो हूँ अपराकृत लीला ये अपराकृत लीला को केवल जो मैंने हूँ प्रभुंकर ये लीला को दर्शन करती दर्शन मध्यम वैकुंठ गति मिले सन्देह ना जाऊ मोर सहयोगी पंडित भजराम शतपथी से मो पाखे उपस्थित हेले तेणु ये जो भव्य कार्यक्रम जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण।